सदन सांसद रवि किशन ने गुरुवार को लोकसभा में नियम 193 के तहत खेल व खेल प्रतिभाओं को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें प्रोत्साहित कर बेहतर प्रशिक्षण की मांग की। सांसद रवि किशन ने कहा कि युवाओं को अगर खेल संसाधन उपलब्ध कराया जाए तो वह भी चीन जापान जैसे देशों की तरह और अधिक मेडल लाएंगे। इसके लिए खास पहल करने की जरूरत है। चीन जो सर्वाधिक मेडल जीतने वाला राष्ट्र है वह खिलाड़ियों को लेकर खास रणनीति अपनाता है। वह अच्छे खिलाड़ियों की सूची तैयार करते हैं, उन्हें शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर उन्हें बेहतर संसाधन व प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं। ऐसा ही कुछ हमें भी करना चाहिए। अच्छे खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें केंद्र सरकार को भेजना चाहिए जिससे बेहतर प्रशिक्षण के साथ वह देश के लिए और मेडल ला सके। सांसद ने गोरखपुर के युवाओं की चर्चा करते हुए कहा कि यहां के युवा खेल के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। इनकी खेल भावना देखने योग्य है। यहां के युवा फायर हैं, बस यहां और संसाधन उपलब्ध कराने की जरूरत है। सांसद ने कहा कि खेल के लिए एक पाठ्यक्रम भी अनिवार्य करना चाहिए जिससे हमारे देश के युवा और शक्तिशाली एवं प्रतिभावान होंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे खेल पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, चूंकि हम लोग उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर खेल हम लोगों के लिए कुश्ती हुआ करता था या खेल हम लोगों के लिए गिल्ली डंडा हुआ करता था, तो ऐसे माहौल से निकल कर जब आज हम लोग 2022 में हैं जहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया के तहत हमारे मंत्री हमारे खेल मंत्रालय ने इसको एक नई उड़ान दी, एक नई ऊंचाई दी है। वेयर आई कैन सी कि हमने लास्ट ईयर हम लोग बहुत सारे ओलंपिक्स मेडल्स में आगे आए हैं, तो आज मुझे खुशी है कि आज हमारा देश यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के साथ एक अच्छा सरकारी खेलो इंडिया के तहत एक बजट मिल रहा है हमारे बच्चों के लिए। उसमें कुश्ती है, कबड्डी है, बैडमिंटन है, खो खो है, तीरंदाजी है, नेशनल टैलेंट का एक पूल जो मैं अब्रॉड के थॉट्स में जैसे अमेरिका में चाइना में आई टू ऑलवेज थिंक कि व्हाई चाइना एंड अमेरिका दे गेट मैक्सिमम मेडल्स एंड ब्रॉन्ज एंड गोल्ड, तो वहाँ पर उनके पास दे है उनकी एक योजना के तहत होता है कि उनकी टीम जाती है उनके वहाँ के राज्यों में और एक टीम ऑफ पूल बैठी रहती है जो अध्ययन करती है कि ये स्पोर्ट्समैन या ये लड़का या ये बिटिया ये लड़की बहुत टैलेंटेड हैं और उनका सिलेक्शन होता है एंड उसके ऊपर स्टडी करके उनको शॉर्ट लिस्ट करके उनका नाम सेंटर में भेजा जाए। तो मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जो आज देश में हमारे बच्चों के लिए एक नया एक विश्वास पैदा की है स्पोर्ट्समैन के लिए इन एवरी फील्ड, मैं और आपके माध्यम से मैं मंत्री जी खेल मंत्रालय को भी कहना चाहता हूँ कि एक नेशनल टैलेंट ऑफ पूल हर राज्य में क्रिएट किया जाए जहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाए, बच्चों पर ध्यान दे हुआ द किड्स कौन बढ़िया करेंगे और उनको शॉर्टलिस्ट करके केंद्र में उनको खेलो इंडिया के तहत उन लोगों को फंड करके वी मस्ट प्रमोट डैम, उनको हम आगे लाएं और हर साल है। और मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय ये भी कहना चाहता हूँ कि एवरी स्कूल मस्ट हैव मस्ट एक होता है कि जरूरी है आपको स्पोर्ट्स में भाग लेना, जरूरी है आप टैलेंट के साथ आप आगे आएं, जरूरी है आप इसमें बढ़ें। और उसके अंदर जैसे मेरे गोरखपुर में नौकायन, हमारे यहाँ बहुत सारी फील्ड्स हैं, हमारे यहाँ झील बहुत बड़ी है तो नौकायन से हम लोग बढ़ सकते हैं। वी हैव लॉट ऑफ फुटबॉल ग्राउंड्स, वी हैव क्रिकेट के अलावा भी जो और खेल हैं जो देसी खेल हैं उसमें आगे बढ़ें। और स्कूल में जब ये मस्ट हो जाएगा तो हमारे स्कूल के बच्चे जो मैं अक्सर कहता हूं कि ड्रग्स से बचे रहेंगे, अल्कोहल, शराब, सिगरेट, नशा।